I'm sorry, Baba. लेकिन आपके लिए जितना प्यार इतना आदर है कि आपके गुस्से के खिलाफ जा सकती हूँ, लेकिन आपकी सीख आपकी ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं। सॉरी आर्या, बहुत भला बुरा बोला ना मैंने तुझे। अरे मुझे पता होना चाहिए था कि आर्या कभी कुछ गलत नहीं करेगी, किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं होने देगी। बहुत अच्छा किया तुमने आर्या, बहुत अच्छा किया। मुझे पता ही नहीं तू किस बारे में क्या बात कर रहा है। अगर तन्मय को बचाना ही था तो उसे गिरफ्तार क्यों करवाया? मैंने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया था। तो किसने करवाया था आर्य? तुम्हें तो पता होगा ना? नहीं, तुम्हारे चेहरे पे ना साफ नजर आता है ये टेंशन, ये छटपटाहट तुम्हारे चेहरे पे दिखती है। तुम अब वो पहले वाली आर्या नहीं रही। बताओ ना आर्या, कहीं जान काका को कुछ तो नहीं माना? आर्या इसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? बोलना कहा मुझे आर्या? अरे मैं हूं, मैं तेरा है क्या? बताना मुझे। अब इस बार अगर मैं खिलाफ गई हूं ना तुम, तो तुम जानती हो क्या होगा। अपने बाबा की शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगी तुम। बस करना है क्या? देख तू दोस्त है ना, तू दोस्त मन के मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बंदी नहीं है, समझा? दोस्त बन के रहूं? तू मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बंदी नहीं है? नहीं, ठीक है। तू बहुत जिद्दी है ना आर्या, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। सच तो मैं जान के ही रहूंगा, चाहे तू मुझे बताए या ना बताए। हे भगवान, अगर ये क्या बाबा तक पहुंच गया तो? नहीं 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 नहीं, इसे बाबा के बारे में नहीं पता चल सकता। वैसे भी तन्मय की बेल के बारे में सुन के बाबा बहुत गुस्से में होंगे। उसमें अगर ये क्या का मुझे इसे रोकना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, तन्मय राज्यवर्धन को ड्रग्स पोजेशन के मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन ये काफी चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि सत्या और कस्तूरी राज्यवर्धन पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो लोग कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और तन्मय की जमानत के लिए अर्जी नहीं देंगे। तो क्या वो वादा झूठा था या तन्मय वाकई निर्दोष है? किसने करवाई उसकी बेल? सूत्रों का
का कहना है कि तन्मय राज्यवर्धकर के निर्दोष होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर उसे हिरासत में रखा जा सके। बाबा I'm sorry। बाबा मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। I know आप गुस्सा होंगे लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? तो तुमने वो किया जो तुमको ठीक लगा, which is fair enough। अब मैं भी वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, ठीक है ना? चंद काका, बाबा आप क्या करने वाले हैं मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपने आंख और कान खुले रखना, मैं भी अलर्ट रहूंगा। काका जो आदमी एक निर्दोष को जेल भेज सकता है बदला लेने के लिए, वो आगे कुछ भी कर सकता है। तूफान के पहले की शांति है ये। बाबा, अरे सोई नहीं अब तक तुम? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी और बहुत जरूरी है। बाबा अब वादा कीजिए ना कि आप आवेश में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। प्रॉमिस कीजिए। हाँ ठीक है, नहीं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। बाबा प्रॉमिस कीजिए आप। बोल दिया ना? नहीं ऐसे वो प्रॉमिस कीजिए आप, प्रॉमिस जैसे करते। सॉरी, वो इतने स्ट्रेस में बस यही चिंता लगी रहती है कि कहीं आप गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर दे। बट अब आपने बोल दिया ना, अब ठीक है। मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी, तसल्ली करना चाहती थी और कुछ नहीं बस। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट बाबा। जोप जोप जोप। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं ढूंढ रहा था। जा। कभी कभी ना वो पुरानी छोटी यारियां बहुत याद आती है। लेकिन वो छोटी यारियां तो तुझे बहुत तंग करती थी ना? छोटी यारियां अपने एक ऐसे कभी कुछ छुपाती नहीं थी। मेरी जगह पे अगर तू होती और मैं तुझसे चीजें छुपाता तब तू समझती। तो मेरी बात भी नहीं सुनेगा क्या? यार I'm sorry,
सच्ची सॉरी, मैं नहीं करना चाहती तन्मय के साथ वो सब। तुम बिलीव करता ना मुझे? अरे तूने जो किया बहुत गलत किया। I can't believe तूने अकेले ये सब कर लिया। देखिए क्या, मैंने जो भी किया ना वो सत्य और कस्तूरी के बीच में दरार लाने के लिए किया। और अब तू मुझे चिल्ला मत, गुस्सा मत कर, मैं अभी अभी वो जान काका से बहुत डांट खा कर आई हूँ, प्लीज। जान काका से मिलने गई थी? हाँ तो और किसको? प्रॉमिस मी तू आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक बात बता, अगर मैंने ऐसा किया तो तू क्या करेगा? क्या क्या कर रहा है तू? बताऊं क्या करूंगा? बता। हथकड़ी बांध के ले जाऊंगा। फिर उसके लिए ना एक क्या, मैं तेरे हाथ में तो आनी चाहिए। ये भेड़िया देख के नहीं चला सकता? पता नहीं कैसे चलाते हैं लोग गाड़ी। तू ठीक है? ठीक है खून? तू भी ना संभाल के रहना चाहिए ना तुझे। अरे यार रिलैक्स, छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा। नहीं देख सकती तुझे चोट लगते हुए, नहीं देख सकती। बड़ा तू ना, तुझे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए था। अकल है और तुझे चोट लगने देता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.